बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर बरेली में वाहनों की गति सीमा निर्धारित की गई। शनिवार को दोपहर में SP ट्रैफिक राम मोहन ने गति सीमा को लेकर पुलिस लाइन गेट के पास गाड़ियों की स्पीड चेक कराई। SP ट्रैफिक राम मोहन ने कहा, निर्धारित गति सीमा के मुताबिक वाहन न चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक, बस सभी की गति सीमा निर्धारित। नगर निगम बरेली क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बरेली SP ट्रैफिक ने मंडल के ट्रांसपोर्टर एवं संभ्रांत नागरिकों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में लोगों ने गति सीमा को लेकर अलग अलग सुझाव दिया, जिसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम क्षेत्र में गति सीमा निर्धारित की गई। निर्धारित वाहनों की गति सीमा को आगामी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के गजट में शामिल किया जाएगा। चौकी चौराहा से चौपाला चौराहा वाया सिटी सब्जी मंडी, किला पुल, सत्य प्रकाश पार्क, मिनी बाईपास रोड पर दो व्हीलर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, थ्री व्हीलर 30 किलोमीटर, चालक सहित 7 सीटों तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, चालक सहित 8 से 12 सीटों वाले वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से शहर के अलग अलग रोडों की स्पीड तय की गई। स्पीड पे लगाम लगाने की कोशिश की गई है, किस तरीके से प्लानिंग की गई है पूरी बात? ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत, गजट ऑफ इंडिया के तहत गति सीमा का निर्धारण का कार्य चल रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में भारी कमी लाई जाए। और दुर्घटनाओं में देखा गया कि तेज गति से चलने वाले वाहनों से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, बड़ी घातक हो रही हैं, तो उसको रोकथाम के लिए, दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए गति सीमा का निर्धारण जनपद बरेली में किया गया है। और यहाँ बरेली शहर क्षेत्र, खासतौर से विशेष तौर से बरेली नगर निगम क्षेत्र के सभी सड़कों का सर्वे कराया, सभी लोगों से जो इसमें फीडबैक लिया, उसके बाद गति सीमा का निर्धारण का आदेश और उसको गजट के लिए जो है उसकी कार्रवाई कर दी गई है। और इसमें स्पीड राडार, इंटरसेप्टर और ICCC के जो गति सीमा के मापक कैमरे हैं, उनसे हम इसमें जो भी गति सीमा से अधिक या अपनी जो है गाड़ियां तेज गति में चलाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लगातार देखा गया है, चालान भी किए जा रहे हैं लोगों के, पिछले 15 दिन में करीब 3 करोड़ रुपए की करीब समन शुल्क भी वसूला गया है। तो लोगों को यातायात को लेकर किस तरीके से आप अपील करेंगे कि ताकि लोग यातायात के नियमों का पालन करें? ये लगातार यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया पिछले 1.5 साल से, और मैं खुद भी स्कूल कॉलेज में और प्रत्येक जगह पर लोगों को कहा कि हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। और यातायात नियमों के पालन करने में बार बार कहने के बाद भी लोग उसको पालन नहीं कर रहे थे, फिर इसमें चारों जो भी शहर के एंट्री पॉइंट थे सभी पर भारी पुलिस बल लगाकर चेकिंग कराई गई। खास हेलमेट के लिए, जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग के लिए, और जब देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोग जो है डिफाल्टर हुए, यहाँ तक कि 25,000 लोगों के चालान करने पड़े। और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि लोग जागरूक होकर अपना काम करें, जिससे चालान की बजाय वो स्वयं भी सुरक्षित रहें, यातायात भी सुगम हो। जो स्पीड को लेकर एक नया नियम लागू बरेली में किया गया, क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं हादसों को लगाम लगेगी, जो स्पीड के चलते हादसे होते थे? बिल्कुल, यही प्रयास है कि हमारी जो दुर्घटना हो उसमें भारी कमी आए, और दुर्घटना जो भी तेज गति के कारण हो रहा है वो करीब करीब शून्य हो जाए, और लोगों को अपनी गति सीमा में चलने की जो है अपनी एक आदत भी बन जाए, जिससे कि हमारी दुर्घटनाओं की कमी हो और दुर्घटनाएं हमारी जो है कभी ना हो इस तरह से।